सीन ये कि आज मेरा दिल चाह रहा था कि आज आपको मैं अपना होम टूर कराऊं। तो मैंने यहाँ वीडियो बनानी स्टार्ट की थी कि मैं आपको होम टूर कराऊंगी, लेकिन गेट पे बैल हुई तो पता चला कि मेरा पार्सल आ गया है। एक्चुअली मैंने पार्सल दराज से मंगाया था, कबर्ड, तो वो मैंने की थी 1 अक्टूबर को, ऑर्डर की थी, और ये मुझे 21 अक्टूबर को रिसीव्ड हुई है। तो होम टूर तो मैं भूल ही गई थी, उसके उसकी खुशी में इतनी मैं हैप्पी थी क्योंकि वो मुझे रिसीव्ड ही नहीं हुआ था, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गया था तो आया ही नहीं था। इस वजह से इंशाल्लाह ताला मैं होम टूर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। अभी मैंने कहा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना ली जाए कि मेरा पार्सल आया है, तो देखते हैं आप मेरे साथ देखें कि कैसा आया है। मुझे तो बहुत पसंद आई थी कवर, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। देखिए ये कबर्ड मेरी इस तरह से दिखती हैगी, मुझे बहुत पसंद आई और मुझे बहुत खुशी भी थी कि मेरा कहीं से भी ना कबर्ड जो है डैमेज नहीं थी, और पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छी होके आई थी तो कोई भी डैमेज पीस नहीं निकला। बहुत खुशी थी क्योंकि पहले भी मैं काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर चुकी हूँ तो मेरी चीज़ें वेल पैक्ड होके आती हैं। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी है और कितने पोर्शंस हैं। अच्छा जी, ये मैं यहाँ खोल रही हूँ और यहाँ देखिए ये 4 पोर्शन में डिवाइड हैगी, बट इसका असल में लेंथ थोड़ी छोटी हैगी, साइज में छोटी है लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसके 4 पोर्शंस हैं और आप इसको बुक रैक या शू रैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बहुत अच्छी आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे सेट किया है। अच्छा यहाँ गिफ्ट्स जो हैंगे ना, ये कुछ गिफ्ट्स रखे थे यहाँ पे, जो मेरी रिसेंटली बर्थडे आई थी तो उसमें बच्चों ने, ये शुमाइल ने दिया था मुझे गिफ्ट, टीचर जोबिया ने, मेरी कलीग है उन्होंने दिया था, ये दुआ और मोहम्मद अली ने दिया था। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो व्लॉग भी शेयर करूँगी जो मेरी बर्थडे का था, अनबॉक्सिंग का, जो गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। एक्चुअली इतना बिजी शेड्यूल है ना तो उस वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। थैंक यू सो मच दुआ, मोहम्मद शमाइल, मोहम्मद अली, मिस जोबिया और मेरी फैमिली का, कि जिन जिन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए थे, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये मैंने 1st पोर्शन में अपने गिफ्ट्स रख दिए थे, 2nd पोर्शन में मैंने अपनी ड्रेसेस रख दी थी। ये सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीज़ें रख के दिखाई थी कि इस तरीके से भी डेकोर कर सकते हैं आप। ये मेरी खुद से की कलेक्शन हैगी, मुझे खुद से वेयर करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। ये मैं स्कूल डेली बेसिस पे खुद से वेयर करके जाती हूँ, जो भी ड्रेसेस में मैच हो जाते हैं। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, कुछ कुछ से इसमें मैंने वेयर भी नहीं किया, अभी न्यू हैंगे। अच्छा मेरे पास काफ़ी सारी कलेक्शन तो हो गई है लेकिन मेरे पास 2 खुस्से नहीं है, मतलब 2 कलर्स के, एक स्काई ब्लू और एक पैरट ग्रीन। तो अगर आप लोगों को पता हो कि कहाँ से वो मिलेंगे ये कलर आप लोगों की नज़र से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दराज पे, कहीं से भी गुजरे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं परचेज़ कर सकूं, क्योंकि मेरे पास कलेक्शन में सिर्फ ये 2 कलर के नहीं है। ये खुशी की कलेक्शन थी। अच्छा ये एक खुशा जो है ये काफ़ी फैंसी है, मैं कम पहनती हूँ इसको, ये हैवी ड्रेसेस पे ही वेयर करने के लिए हैगा, तो ये मैं डेली बेस पे नहीं पहनती। तो ये हैगी, मैंने ऑर्गेनाइज की थी कबर्ड
कबर्ड मैंने, अच्छा ऊपर की साइड मैंने रख दिया था अपना मेकअप ड्रॉज, जो ऑर्गेनाइजर है ना वो मैंने रख दिया था, जो डेली बेस पे, जो बेसिस पे मैं स्कूल करके जाती हूँ, मेकअप ये मैंने कुछ अपना सामान इसमें रख दिया था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, बोर नहीं हो रहे होंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और कबर्ड के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग को चाहिए तो दराज पे जाके ज़रूर परचेज करें। अच्छा ये सेकंड वाली कबर्ड जो है बड़ी, वो मैंने आज से 2 साल पहले ली थी, और ये कबर्ड जो है आप यकीन करेंगे मुझे 7,000 की मिली थी। इसकी लेंथ भी अच्छी थी, और ये अब जो छोटी मंगाई है ये मुझे 7,500 की मिली है। चलिए यहाँ वीडियो का होता है एंड करने का टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।